Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Systems. Dear students, MSc Administrative Sciences ka jo first semester hai na, wo students ke liye bahut hi zyada challenging hota hai. Kyunki bahut sare students newly AIOU mein aaye hote hain, that is Allama Iqbal Open University ke saath unka hi first experience hota hai. Unke liye har cheez bilkul new hoti hai, unko bilkul नए सिरे से हर चीज को इन्वेस्टिगेट करके उस चीज के ऊपर सर्च करनी पड़ती है, वर्किंग करनी पड़ती है. आज की ये वीडियो आपकी असाइनमेंट 1 और 2 के हवाले से है. आपकी असाइनमेंट 1 और 2 के हवाले से क्या गाइडलाइंस हैं जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की हैं, साथ ही साथ असाइनमेंट 1 को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, किस तरह से सर्च करना है इसके आंसर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार यूनिवर्सिटी बुक्स हार्ड कॉपी में भी नहीं प्रोवाइड कर रही, आपको सॉफ्ट कॉपी में बुक्स के लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं. तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से इन तमाम सर्कमस्टांसेस के साथ आपने डील करते हुए अपनी असाइनमेंट्स को इफेक्टिव बनाना है ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए. क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के आपका जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है ना, वो आपका 3 चीजों की बेसिस पे बनता है. उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी असाइनमेंट्स, उसके बाद उसमें आपके आ जाती हैं वर्कशॉप, और फिर थर्ड पे आते हैं आपके एग्जाम्स. ये तीनों चीजों में से अगर कोई एक भी चीज आप मिस करते हैं या उसमें कम मार्क्स लेते हैं तो वो आपका ओवरऑल रिजल्ट को इफेक्ट करती है. इस वीडियो में मैं आपको 5001 दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस की असाइनमेंट है, इसके हवाले से गाइड करूंगी. तो स्टार्ट करते हैं. मजीद इंफॉर्मेशन की सूरत में या कोई प्रॉब्लम की सूरत में आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ अब एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपकी ये जो असाइनमेंट्स है ना, ये होनी चाहिए बिल्कुल यूनिक. यानी इसमें आपका अगर किसी दूसरे स्टूडेंट की असाइनमेंट्स के साथ आपकी असाइनमेंट मैच करती हुई तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, और हो सकता है कि आपको फेल भी कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्टली इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट्स को यूनिक बनाना है, खुद उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है. और बिल्कुल भी इस हवाले से आपने जो मार्केट में अवेलेबल असाइनमेंट्स है ना, जो एक असाइनमेंट्स 100 ऑफ स्टूडेंट्स के पास है, आपने उन असाइनमेंट से बचना है. और इसीलिए आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको गाइड कर सकूँ कि आप अपनी असाइनमेंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे. लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इकोनॉमिक एनालिसिस 5001 एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल वेरियस इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स. अब सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है. इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को आप डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है. इसके लिए आप डायरेक्टली अगर आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और यहाँ पर व्हाट इज इकोनॉमिक्स आप सर्च करें तो आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाएंगी इकोनॉमिक्स की. बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या है कि सोशल साइंस है जो कि लिंक्ड होती है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सप्लाई एंड डिमांड, जितने भी प्राइसिंग से रिलेटेड चीजें हैं उस तमाम चीजों से इकोनॉमिक्स लिंक्ड है, ठीक है. उसमें आपका सप्लाई एंड डिमांड आ जाती है, उसमें आपकी प्राइसिंग आ जाती है, कॉस्टिंग आ जाती है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है, रिसोर्सेज आ जाते हैं, ये तमाम चीजें आपकी इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाती हैं. इसी तरह से इसका जो आपका सेकंड पार्ट है, एग्जांपल्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स. अब बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट जाहिर है डिफरेंट फिनोमेना हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट उसके ऊपर सर्च किया. आपके पास जो मेन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं उनमें से 3 से 4 इकोनॉमिक थॉट्स हैं, जिसमें एक नॉन क्लासिकल आ जाती है, ठीक है, क्लासिकल आ जाती है. आप इजीली उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उसको चाहें तो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है. एमएससी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ मैं डेली बेसिस पे, इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड होंगे. आप उन लेक्चर से भी बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे फॉर योर एग्जाम्स प्रेपरेशन. मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ आई कार्ड में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो डिस्कस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड.
इसी तरह से आपने लॉ ऑफ डिमांड को पहले डिफाइन करना है, ठीक है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देना है. आप लॉ ऑफ डिमांड को जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, क्योंकि आई बिलीव के सॉफ्ट कॉपी बुक से इन असाइनमेंट्स को करना एक तरह से बहुत मुश्किल काम है, उससे बेहतर है कि आप थ्रू गूगल सर्च ये वर्किंग करें. अब आप देखें यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट पे यहाँ पर आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है. इसी के साथ आपकी डिफरेंट ये जो एग्जाम्पल्स है ना उसके थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर नीचे फिगर भी था, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मांगी गई है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है यहाँ पर. इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, आप इसी तरह से सर्च करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको मेरे लेक्चर नंबर 35001 में मिल जाएंगे, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है. ये असाइनमेंट्स की वीडियो मैं आज दैट इज 15 जुलाई को अपलोड कर रही हूँ. आज आपके जो लेक्चर अपलोड हुआ है वो यूनिट 1 के फर्स्ट 4 टॉपिक्स का लेक्चर अपलोड किया गया है. इंशाल्लाह कमिंग डेज में बाकी लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए आप जब भी इस वीडियो को व्यू करें तो लाजमी प्लेलिस्ट के थ्रू लेक्चर्स को देख लीजिएगा, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मार्केट डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. ये भी थ्रू लेक्चर्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मोनोपोली, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन. और उसके बाद आप चाहें तो इसको खुद से भी आंसर कर सकते हैं हेल्प लेकर थ्रू लेक्चर्स, अदरवाइज आप सिंपली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज प्राइसिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन एक्सप्लेन विद एग्जांपल. अब आपने प्राइसिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है विद ये, यहाँ पर मैं इसको सर्च करती हूँ, ठीक है. ये देखें पहला ही आपके पास आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन, ठीक है. इसमें आपके पास प्राइसिंग फैक्टर्स आ जाएंगे. इसी तरह से अगर आप इधर नीचे जाएं द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में भी आपको यहाँ पर प्राइसिंग फैक्टर के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है. ये देखें आप एक्चुअली मैंने स्क्रीन को शॉर्ट किया हुआ है लेकिन होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, ठीक है. ओके, तो इसी के साथ ये आपकी असाइनमेंट 1 एंड होती है. गाइडलाइंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपने A4 और 1.5 स्पेसिंग टाइम्स रोमन स्टाइल, क्योंकि आपने अपने LMS पोर्टल पे से लॉगिन करना है, अपलोड करना है. किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर्स भी मेंशनड हैं, उन पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल के थ्रू भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. एक्चुअली दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज जो कि जस्ट बने बनाए आंसर्स चाहते हैं और बस उन्हें छापना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली आई बिलीव कि आप लोग MSc एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस कर रहे हैं तो आप लोगों में वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए टू डू टू क्लियर दिस कोर्स, ठीक है. इसीलिए वीडियो अपलोड की है ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़.